अमीश बाबू, श्रीमद भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। आपका तार छेड़ दिया इन्होंने, आप छोड़ेंगे नहीं लग रहा आज। जी बोली बोली, बताइए। हमारे भगवत गीता की बात कर रहे हैं, बहुत पवित्र ग्रंथ है श्रीमद भगवत गीता। व्हाट्सएप या हम ये सोच रहे हैं कि एक कहता था सरकारें गिरी, मैं सोच रहा हूँ कितनी गिरेगी। अरे आदमी गिरेगा पतन कितना होगा यार, श्रीमद भगवत गीता को व्हाट्सएप बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, मतलब एक एक रोचक उनका मतलब के मतलब भगवत गीता वो छोड़िए, गीता की जो गीता की शपथ है वो तो कोर्ट में भी दिलाई जाती है। अब शांत रखिए, शांत। एक घंटे के आप अननेसेसरी कि धार्मिक एक बड़ा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है गीता, जो पढ़ ले उसको जीवन में कोई समस्या नहीं होती। वासुदेव कृष्ण ऐसा कहते हैं। बोलिए अमीश, इनकी कोई किताब को व्हाट्सएप बोल देगा ना अमीश जी, तो उसका गला काट देंगे ये लोग, और देखिए किस तरीके से अपमान। नहीं, ये गलत थोड़ी ना हुआ अमीश, उल्टे फैला हुए थे अमीश। बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए। गीता आपने गीता को बोला अमीश, यार ये गलत बात है। मैं बोल रहा हूं तो इमोशनल मत होइए, ये कल आपको लगता है आपको जीने देंगे? इनकी मानसिकता देखिए आप सोचिए कि मैं बोल रहा हूं श्रीमद भगवत गीता के बारे में तो श्रीमद भगवत गीता को ये व्हाट्सएप बता रहे, वैसे ये मौलाना है, ये पढ़े लिखे हैं, और इनसे कुछ पूछ लिया जाए तो स्वामी ऐसे होते हैं? आप क्रोधित क्यों हो गए? मतलब आप पिटिए छितिए रोइए, मगर आप गलत हैं क्योंकि ये आपको कह रहे हैं। अब भी कह रहा हूं प्यार से बोलो, ये मतलब ये प्यार नहीं है सर। एक सेकंड बताइए मतलब ना, अपना दुख आप कहना भी बोलने ही नहीं दे रहे। अच्छा, मैं गलत, मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, बोले बोले तो सही, अपना दुख कहना भी प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। वो सूरी साहब को वहां मार दिया गया, प्यार से बोलो अमीश, प्यार से अपनी बात, अपना दुख, अपनी व्यथा कहना, इन्हें प्यार से कहिए। और मैं जब आपसे कह ही नहीं रहा तो आप है कहां? मैं सामने बात कर रहा हूं। आप बात करिए, आप व्यूअर से बात करिए। मैं कह रहा हूं 30 सेकंड में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35, अपने धर्म में जीना भी सम्मान है और दूसरे का धर्म भयक्रांत करता है, यह कहना चाह रहा हूं। और जो मेरी श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है मैं उसे मानूंगा, और श्रीमद् भगवत गीता के लिए ना तो किसी से भी नहीं चाहिए सर, कोई भी नहीं दे सकता। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोले, एक मिनट रुक जाइए। जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया, आज भी गली नुक्कड़ पे माँ बच्चे को काना कहकर पुकारती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी, अरे बड़ा यार कन्हैया बना फिर रहा। और जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा लड़ा, 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अक्षुणी सेना के समक्ष खड़ा किया और विजयी करा दिया। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिसने ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवत गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबल कुर्बान। क्या जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में? बोलना शुरू कर दिया डिबेट में, वेद में बोलेंगे, वेद का अगर जो वाक अर्थ बता दे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हैं बार बार? जी जी जी, ठीक है, देखिए 30 सेकंड। मैं फिर कहता हूँ दीपक जी आपके, मैं फिर कहता हूँ, न वेदों पर बात है न हिंदुओं पर बात है, यहाँ हिंदू शब्द की बात थी। ये इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? एक वर्णन, एक वर्णन गीता का या ऋग्वेद का बताया तो सही, नहीं हिंदू लफ्ज के बारे में नहीं बोल पाया, बताया गया हिंदू लफ्ज के बारे में नहीं बोल पाया अभी तक और ना बोल पाएंगे, मेरा दावा है ये। चले पहले मैं हिंदुस्तान का जो हिंदू बोर्ड है ना आज, नहीं नहीं एक सेकंड सर सर सर, आज हिंदुस्तान की बातें कर रहे थे, हिंदू कहाँ से आया? हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदू जहाँ श्रेष्ठ लोग रहते हैं, जहाँ आर्य लोग रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोलते हैं। तो मैं इनको बता रहा, छठी बार बोला आपने, अरे सुन लो भाई, मौलाना को समझाइए, इन्हीं को समझा रहे हैं, तुमको नहीं, तुम ज्ञानी हो। दूसरी बात, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझमें इनमें भी भगवान है, हमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, तो सब में भगवान का स्वरूप है। सर, सर ने एक चीज बोली थी अभी, अपनी बात को रखिए। हाँ जी, सर ने ये बोला था अभी कि हिंदू जो है हम उनसे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जब कोई भी बात आती है तो फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? आपको लग रहा प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, पिछले साल आपको क्या कहना, खतरे में आ गए उतना कभी नहीं था। क्या 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 कहा आपने? 7 सालों में जितना हिंदू खतरे जब में आ गया देंगे इसका? कभी नहीं था। प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे, को भी गनर लेके घूमना पड़ रहा है, मेरे को तो बड़ी दयनीय स्थिति लग रही है इस देश की। झा जी कह रहे हैं कि स्वामी जी गनर लेके चल रहे, आप बताइए पंजाब में क्या हुआ? अभी बड़ी अच्छी बात है, पंजाब में तो 8-8 थे, जिसको मारना था वो मार के चला गया। स्वामी जी का क्या करवाना चाहते हो भाई? मैं वही कह रहा हूँ, मेरा स्वामी जी को गनर इसलिए लेके घूमने पड़ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों से स्वामी जी को खतरा है वो पहले सरकार के साथ ही थे, कोई जरूरत ही नहीं थी उनको ये सब करने की, आज वो डरे हुए हैं। आज स्वामी जी धर्म के बारे में खुलकर बोलते हैं तो उनको डर लगता है, आज स्वामी जी अगर धर्म की बात करते हैं कि इनको दर्द होता है। आज स्वामी जी को इसलिए डर है क्योंकि स्वामी जी अपनी बात को, धर्म की बात को खुलकर रख पा रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होती? आपने
सिक्योरिटी, ओके ओके, देखिए तकलीफ ये है कि आपको स्वामी दीपांकर के गनर से दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन आपको लग रहा है कि इनको ये सिक्योरिटी कैसे मिली है? वहां सूरी साहब को मार दिया गया, मौत के घाट पर उतार दिया गया भैया। नहीं नहीं, गनर ले पूरी भव्यता के साथ जीवन यापन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, दीपक भाई ने बोला, हालांकि मुझे इस चीज की उम्मीद कतई नहीं थी, मगर फिर भी जब बोला तो मैं एक शब्द जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा और महंत जी की सरकार है। आखिरी दौर है चर्चा का जी, सन्यासी पालघर में मारा जाए वो चाहते हैं दीपक भाई खुश? हाँ, अगर पालघर में मारा जाए दीपक भाई खुश, और अगर सन्यासी को खुलकर बोलना है, सन्यासी को खुलकर बोलना, सन्यासी को क्या कर रहे हैं? देखिए सर, सुरक्षा हो सुरक्षा ना हो, स्वामी दीपांकर खुलकर बोलता था, है और रहेगा दीपक बाबू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके ओके, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस देश और धर्म के बारे में बोलता है तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कोई गुनाह नहीं है इसमें। ओके ओके, प्रेम शुक्ला जी, इनको आपत्ति क्या है? अगर किसी को सुरक्षा मिली है, सरकार को लगता है तो खतरा है। और आदरणीय स्वामी जी का जो आश्रम है वो देवबंद में है, देवबंद को उत्तर प्रदेश की पुलिस मानती है कि आतंकवाद का सबसे अधिक आसन्न खतरा देवबंद में है। ये पुलिस की रिपोर्ट है और आज की नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कांग्रेस के जमाने में कहता था। तो आप जो है, अगर इनको सुरक्षा मिल जाए, और श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका वड्रा, राहुल गांधी की सुरक्षा अगर एसपीजी से हटाकर एनएसजी कर दी जाए तो छाती पीटते हुए कांग्रेसी पूरे देश में टहलेंगे। तो ये इनकी वृत्ति जो है वो अपने आप बता रही है कि क्या कर जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, रशीदी साहब 30 सेकंड। देखिए, लास्ट में चलते चलते फिर देवबंद को क्लेम करके चले गए ये, पुलिस की रिपोर्ट को कोर्ट, ये इनकी मजबूरी है, मैं समझता हूं इनकी मजबूरी है, आईबी की रिपोर्ट। अगर ये मुसलमान के लिए नहीं बोलेंगे, मुसलमान, पाकिस्तान, देवबंद, ये इनकी स्पीच में ना हो तो इनकी स्पीच मुकम्मल नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत देता है। आप लोग कार्यक्रम में आए, आपने अच्छे से भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का अभिनंदन। फिलहाल ये देश है हमारा को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिला होगा, जिस सवाल का जवाब नहीं मिला शायद आने वाले कुछ वर्षों में, मैं दिनों में नहीं बोलूंगा, आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये देश है हमारा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।